अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज और वक्त है दुनिया हेडलाइंस का। श्रीलंका पहली बार टी20 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। संगकारा की करियर के आखिरी टी20 मैच में निस्त सेंचुरी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के बैंक में डाकू 9 घंटे लूटमार करते रहे। लाखों की नकदी के साथ साथ लॉकर्स का भी सफाया कर दिया। मुतासरीन का शदीद एहतजाज। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि एमकेएम के साथ इत्तेहाद सिंध की सियासत के लिए फायदेमंद होगा। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। चौधरी शुजात का कहना है कि फैसले से पहले परवेज मुशर्रफ के लिए सदारती माफी की बात तौहीने अदालत है। फौज को जाती मुलाजिम नहीं, इदारा तस्लीम किया जाए। ख्वाजा साद रफी कहते हैं परवेज मुशर्रफ की कानून के कटहरे में आते ही टांगे कांपने लगती हैं। कौम साबिक फौजी हुक्मरान को माफी नहीं देगी। चकवाल ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाले 20 अफराद सरगोधा में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा और तदफीन पर रिकत आमेज बनाते। और फुटबॉल में बड़े बड़े कुछ न कर सके, पाकिस्तानी बच्चों ने मैदान मार लिया। ब्राजील में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली।